नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और अब बात सियासी खबरों की। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर इन दोनों का काबू है, इनकी मदद से वो फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। हालांकि पलटवार बीजेपी की ओर से भी जबरदस्त हुआ। मोदी सरकार पर सोनिया गांधी के हमले की गूंज अभी शांत भी नहीं पड़ी कि राहुल गांधी ने नया हमला बोल दिया। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नया मोर्चा खोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वो इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला दिया है। अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी। इसका विरोध फेसबुक की कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। हालांकि कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। मामला तूल पकड़ा तो राहुल के समर्थन में प्रियंका गांधी भी आ गई। प्रियंका ने ट्वीट कर बीजेपी पर फेसबुक से साठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और दुष्प्रचार के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती थी और अभी भी कर रही है। फेसबुक, जो आम जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है, उसका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने के लिए किया। फेसबुक कोई कार्रवाई कर ना पाए, इसके लिए साठगांठ भी की गई। कांग्रेस ने सियासी तीर चलाए तो जवाबी हमला करने के लिए आईटी मंत्री ही सामने आ गए। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, हारने वाले जो लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, वही रोते रहते हैं कि पूरी दुनिया पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। चुनाव से पहले आप कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ साठगांठ कर डाटा को हथियार बनाते रंगे हाथ पकड़े गए थे और अब आप हम पर सवाल उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख भी पलटवार के लिए कूद पड़े। हम सब ने देखा किस प्रकार से 2019 के चुनाव के समय राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी के साथ गठजोड़ करके फेसबुक के डेटा को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उससे चढ़कर वो आज फेसबुक को और बीजेपी को लेकर इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया के कंट्रोल पर सियासी संग्राम में सूचना तकनीक के संसदीय कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर भी आगे आ गए। उन्होंने कहा, सूचना तकनीक पर संसदीय समिति निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक से सुनना चाहती है। भारत में हेट स्पीच के बारे में क्या करने का प्रस्ताव करती है। भारत की राजनीति में तूफान आने के बाद फेसबुक ने भी सफाई दी। ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काता है। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रक्रिया का लगातार ऑडिट करते हैं। राहुल गांधी से पहले स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना देने के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। अब मामला सोशल मीडिया के कंट्रोल तक जा पहुंचा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।